हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके इस वीडियो में बताने वाले हैं कि रेलवे में जब भी हम टिकट बनाते हैं तो उस टिकट पर 10 डिजिट का एक पीएनआर नंबर लिखा होता है। उस पीएनआर नंबर का मतलब होता है क्या है और उस पीएनआर नंबर का फुल फॉर्म होता है क्या है और पीएनआर नंबर रेलवे अपने पास कब तक के रखता है और उसे कितने दिनों बाद अपने सिस्टम से हटा देता है। जैसे कि देखो, मैंने एक टिकट बनाई हुई रायपुर से नागपुर की, ठीक है, तो यहाँ मुझे एक पीएनआर नंबर मिला हुआ 10 डिजिट का। वैसे ही जैसे आप टिकट बनाएंगे तो आपको भी पीएनआर नंबर मिलेगा, सभी को मिलेगा, ठीक है। पीएनआर नंबर का ही मेन काम होता है। पीएनआर नंबर से ही आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी हो जाती है। चलो हम आगे बताते हैं पीएनआर का फुल फॉर्म। पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो इस फुल फॉर्म से ही आपको जानकारी हो गई कि इस पीएनआर नंबर में पैसेंजर की सारी डिटेल होती है, इस पैसेंजर की पूरे रिकॉर्ड इस पीएनआर नंबर से हमको मिल जाते हैं। और पीएनआर नंबर के सामने के जो 3 डिजिट होते हैं वो आप किस जोन से हैं, किस जोन से यात्रा करने वाले हैं, अब इस चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैंने रायपुर और बिलासपुर की टिकट बुक की और मैं रायपुर से बैठने वाला हूँ, तो रायपुर, बिलासपुर, नागपुर एक जोन में आता है, जैसे SECR जोन में आता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है। तो उसका जो सामने के पीएनआर नंबर का जो डिजिट है 6 से चालू होता है। जैसे कि आप बोले तो जैसे एग्जाम्पल है, जैसे आपने मुंबई से टिकट बुक किया तो वो एक अलग जोन से आता है, तो उसका जो पीएनआर स्टार्ट होगा 8 से चालू होगा। तो वैसे ही जैसे और अलग जोन से टिकट बुक करेंगे या वहाँ से यात्रा शुरू करेंगे तो उसका जो पीएनआर नंबर स्टार्ट होगा वो एक अलग डिजिट से होगा। और बाकी के जो 7 डिजिट होते हैं वो पैसेंजर की सारी डिटेल्स को बताती है। पैसेंजर की सारी डिटेल्स बोले तो जैसे कि बर्थ, अब पैसेंजर की बर्थ, सीट नंबर, पैसेंजर का नेम, पैसेंजर की उम्र, पैसेंजर की यात्रा कहाँ से आने वाली, कहाँ ख़त्म होगी यात्रा की दूरी, आप ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, ये चीज़ें पूरी आपको पीएनआर नंबर के लास्ट के 7 डिजिट में बताती है। और पीएनआर रेलवे इसे कब तक के अपने पास रखता है, पीएनआर रेलवे इसे अपने अपने पास 9 महीने तक के रखता है। जैसे कि हम यात्रा करते हैं, ठीक है, हम जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एसी में करते हैं या दूर की यात्रा का सफ़र करते हैं या स्लीपर में यात्रा करते हैं, हम वहाँ पर जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास एसी में सफ़र कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई एसी की, एसी चालू नहीं मिला, तो हम उस तो गर्मी में पूरी यात्रा कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम उस यात्रा का तो पूरा पैसा दे रहे हैं भाई, फर्स्ट क्लास एसी का तो पैसा पूरा देंगे, लेकिन उस एसी चालू नहीं हो रही तो हम उसे क्या करते हैं, क्लेम करते हैं तो अब हम उसे रिफंड चाहते हैं रेलवे से। तो होता क्या है, वो एक है TDR, टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट, तो इसको हमको क्लेम करना होता है, तो हमें क्या उसमें रिफ़ंड मिलता है, जो हमें रेलवे में यात्रा करते हैं जो प्रॉब्लम होती है तो उसका हमें रिफ़ंड मिलता है, उसे बोलते हैं TDR, टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। तो इसे क्लियर, रेलवे को क्लियर करने में, इसे निपटाने में 9 महीने तक का समय लग जाता है, ठीक है, मतलब इस पीएनआर नंबर से ही ये सब चीज़ें निपटाई जाती है, TDR निपटाई जाती है। तब तक कि इसे क्या है, 9 महीने तक के संभाल के रखा जाता है, 9 महीने तक इसे संभाल के रखा जाता है, उसके बाद उसे सिस्टम से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो मेरे द्वारा बताया गया है पीएनआर नंबर के बारे में तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्त, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो गए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना,